हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल एजुकेशनल सक्सेस मंत्र। और जो आज हमारी साइंस की क्लास होने जा रही है, इसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का, वो कंपोनेंट ऑफ फूड। जी हाँ, कंपोनेंट ऑफ फूड में हम कुछ कंपोनेंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वीडियोस आपने देखी होंगी, अगर नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के राइट साइड में आपको आई बटन दिखाई देगा, आप उस पर टच करते हैं या क्लिक करते हैं तो आपको वो सभी वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे, आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मिनरल्स। इससे पहले हमने फैट्स पर डिस्कशन कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, ये सभी जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज का टॉपिक जो है कंपोनेंट ऑफ फूड में जो रहने वाला है वो है मिनरल्स। तो मिनरल्स की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस रहती है बॉडी में। और अगर हम देखें तो एक तो प्रॉपर फंक्शनिंग और ग्रोथ, तो अगर यहाँ पर देखें प्रॉपर फंक्शनिंग, तो मिनरल्स क्या काम करेंगे, प्रॉपर फंक्शन यानी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते रहते हैं, ठीक है ना, ब्रीथिंग है ना, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, बहुत से फंक्शन हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस अंदर होती रहती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें प्रॉपर फंक्शनिंग और साथ में जो है ग्रोथ प्रॉपर क्या है, फंक्शन करता है और हमारी ग्रोथ में भी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन, ठीक है, मिनरल्स। और एक वर्ड और यहां पर हम इसमें ऐड कर सकते हैं, गुड हेल्थ, गुड, जी हाँ, तो ये वर्ब यहाँ पर आ जाते हैं इसके, मिनरल्स के। अब मिनरल्स में अगर हम देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे रिक्वायरमेंट रहती है इसमें कैल्शियम, सेकंड नंबर अगर हम देखें फॉस्फोरस, के बाद फॉस्फोरस के बाद जो आता है थर्ड नंबर में कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया हमारे पास, इसके बाद मेन जो है आयरन, फोर नंबर पर अगर हम डिस्कशन करेंगे यहां पर तो वो हो जाएगा आयोडीन, फाइव नंबर, यानी ये एक लिस्ट बन रही है मिनरल्स की जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है, सोडियम, और सिक्स नंबर पर अगर हम देखें यहां पर पोटेशियम, पोटेशियम, ये कुछ एक लिस्ट है हमारे पास मिनरल्स की। और इन मिनरल्स की जो है हमें नीड रहती है, आवश्यकता रहती है, किसके लिए, वो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया ही था, क्या प्रॉपर फंक्शनिंग बॉडी की, ग्रोथ एंड गुड हेल्थ, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें वन बाय वन, जो मेनली कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो मेन है उनको हम यहां पर थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो जब हम बात करते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये इसमें इसकी बात कर रहे हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो जब कैल्शियम और फॉस्फोरस की बात करते हैं यहां पर डिस्कशन करते हैं, तो बोन और टीथ, जी हाँ, बस ये दो आपस में याद कर लें, बोन्स और टीथ फॉर्मेशन में इसका यूज हो जाता है। इन दोनों को कॉमन हम इसमें ले लेते हैं, बोन्स और टीथ हमारी हड्डियां और जो दांत हैं वो उनको बनने में, मजबूत रखने में, हेल्दी रखने में, हेल्दी वर्ड यूज किया है हमने, कौन कौन से मिनरल्स की नीड रहती है, बोन्स, सॉरी कैल्शियम
बार हमने देखा है कि कई बच्चों में कैल्शियम फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो जब वो खेलते हुए थोड़ा बहुत गिर जाते हैं ना, तो जो बोन्स वगैरह हैं वो कहीं से फ्रैक्चर हो जाती है इजीली, मतलब थोड़ा सा गिरे और फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। तो ये वही है, अगर ये कम हो जाएगी, प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, इस तरह की जो है बीमारियाँ डिजीज हो जाती है। तो ये कैल्शियम और फॉस्फोरस हमने देखा किसके लिए है, बोन्स एंड टीथ के लिए। और बोन्स और टीथ तो अगर यहाँ पर हम देते हैं तो जो ग्रोइंग एज होती है, ठीक है, बचपन, फिर अगर हम देखें तो उसमें ज़्यादा ज़रूरत रहती है, जैसे बच्चा ग्रो करता है, जैसे 18, 19, 20 के बाद तो ग्रोथ लगभग स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो 20 ईयर्स तक नॉर्मली जो ये आपके मिनरल्स हैं ये प्रॉपर होने चाहिए, जिससे ग्रोथ क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। चलिए नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पर, इसमें अगर ये मिलेगा कहाँ से, इसके सोर्स की अगर बात करें, तो अगर हम सोर्स देखें, सोर्स किसके सोर्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सोर्स कैल्शियम और फॉस्फोरस। भाई हमने वर्क देख लिया, बोन एंड टीथ के लिए जरूरी है। सोर्स अगर देखें यहाँ पर, तो सोर्स में आता है हमारे पास मिल्क, ठीक है, तो मिल्क तो एवरग्रीन है, बहुत सी न्यूट्रिशन हमें रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो मिल्क में क्या मिल सकता है हमें, कैल्शियम एंड फास्फोरस, इसके अलावा एग, ठीक है, और फिश, एग हो गया, फिश आ गया यहां पर, और एक ग्रीन वेजिटेबल्स मेनली जिनमें लीव्स होती हैं, पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां बच्चों को कम पसंद है, पालक वगैरह, है ना। तो क्या क्या आ सकता है, मिल्क, एग, फिश, और इसके अलावा जो है ग्रीन, अगर इसमें देखें ग्रीन लीफी, यानी जिसमें लीव्स हों, वेजिटेबल, ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स जो भी हैं, ठीक है, वो क्या है, इसका अच्छा सोर्स हो सकता है। तो ये हमने यहाँ पर इसके सोर्स डिस्कस कर दिए, मिल्क, एग, ग्रीन लीवी, जिनमें ग्रीन पत्तियां, हरी लीव्स होती हैं, वो वाली सब्जियां हमें ज्यादा यूज करनी चाहिए। कि कैल्शियम और फॉस्फोरस किसके लिए था, बोन एंड टीथ, सोर्स हमने यहां पर डिस्कस कर लिए। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, ये दोनों हो गए हमारे कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अब यहां पर अगर हम देखें आयोडीन, नेक्स्ट अगर डिस्कस करें यहां पर आयोडीन, तो आयोडीन जो है ये जरूरी रहता है थायराइड जो ग्लैंड होती है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग। किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पर, ये आयोडीन 4 नंबर डिस्कस कर रहे हैं पहले आयोडीन। तो आयोडीन में अगर हम वर्क देखें, क्या काम क्या आता है, तो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, जी हाँ, ये थायराइड ग्लैंड ये प्रॉपर फंक्शन करती रहे, थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शनिंग में काम आता है। और थायराइड ग्लैंड यहां पर गले में, और थायरोक्सिन हॉर्मोन का सीक्रेशन होगा। ग्लैंड का नाम तो क्या है, थायराइड ग्लैंड, वो थायराइड ग्लैंड क्या है, थायरोक्सिन हॉर्मोन क्या करती है, सीक्रेट करती है, और वो ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो यहां पर
थायरोक्सिन जो हार्मोन है कौन थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन को क्या करती है सीक्रेट करती है और ये हार्मोन क्या करता है ग्रोथ किसकी बॉडी की ग्रोथ जी हाँ ग्रोथ ऑफ बॉडी जो बॉडी है उसकी ग्रोथ में क्या करता है हेल्प करता है तो ये हमें ध्यान रखना है आयोडीन किस लिए जरूरी है थायरॉयड जो ग्लैंड है वो प्रॉपर वर्क करे थायरॉयड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करती है और ग्रोथ को कहीं ना कहीं क्या करती है कंट्रोल करती है तो ये कहाँ से मिल सकता है हमें आप सोर्स अगर देखें इसके सोर्स अगर देखें सोर्स की बात करें तो सी फूड जो समुद्री भोजन है वो इसका मेन सोर्स है यहाँ पर सी फूड ठीक है एक सी फूड हो सकता है और अगर यहाँ पर हम देखें सोर्स में तो फ्रूट है और आयोडाइज्ड सॉल्ट ये आपने नाम सुना होगा आयोडीन युक्त नमक जिसमें क्या हो आयोडीन हो तो वो डायरेक्ट वहां से सॉल्ट से क्योंकि सॉल्ट हम डेली वेजिटेबल्स में या हमारी डाइट में इंक्लूड रहता है तो वहां से भी आयोडीन हमें क्या हो जाता है मिल जाता है तो सोर्स यहाँ पर हो गया सी फूड दूसरा अगर देखें तो फ्रूट्स और आयोडाइज सॉल्ट फ्रूट्स हो जाएगा सेकंड में पास सेकंड जितने भी फ्रूट्स हैं वो हमको आयोडीन दे देते हैं इसके अलावा अगर हम यहां पर देखें आयोडाइज सॉल्ट ये हम ज्यादा यूज कर इससे हमें ज्यादा आयोडाइज सॉल्ट तो सॉल्ट जब भी यूज करें आयोडीन युक्त नमक ही हमें क्या करना चाहिए यूज करना चाहिए तो ये हमें यहां पर आयोडीन अब आयोडीन जो है अगर कम हो जाती है डेफिशिएंसी होगी कमी होगी नहीं मिल पा रही तो फिर क्या होगा ये भी हमें देखना पड़ेगा तो यहां पर अगर आयोडीन नहीं मिलती है तो क्या होगा एक डिजीज रहती है गोइटर गला जो है ना एकदम मोटा हो जाता है लटक जाता है फैल जाता है ठीक है तो गोइटर या गलगन हिंदी में बोलते हैं उसको घेंगा रोग हो जाता है कब जब आयोडीन नहीं है प्रॉपर नहीं मिल पा रहा तो ये जो ग्लैंड है आपकी थायराइड ग्लैंड यहाँ पर ये क्या होगी ग्रोथ कर जाएगी गला लटक जाता है फैल जाता है बहुत मोटा हो जाता है तो ये गाइटर डिजीज जो है इसकी डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं आयोडीन के बाद आयरन जो है आयरन को अगर हम डिस्कस करें आयोडीन के बाद जो है हम डिस्कस कर रहे हैं आयरन को ये देखिए यहां पर हम आयरन को डिस्कस कर रहे हैं तो जो आयरन है वो ब्लड के फॉर्मेशन हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है जो ब्लड होता है हमारा उसके फॉर्मेशन में क्या आयरन तो यहां पर अगर हम लिखें टू मेक हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ड्यू टू दिस हीमोग्लोबिन जो है इसी हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से हमारा जो ब्लड है वो कैसा रहता है रेड रहता है तो हीमोग्लोबिन बनाने में रिक्वायरमेंट रहती है इसकी आयरन की नंबर वन सेकंड अगर हम यहां पर देखें इसका जो वर्क होता है कैरी ऑक्सीजन
यानी क्योंकि ब्लड सर्कुलेट करता है होल बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? ब्लड। तो अगर ब्लड कम हो जाएगा यानी हीमोग्लोबिन कम कब होगा? जब आयरन कम हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, तो प्रॉपर ऑक्सीजन हर सेल तक नहीं पहुंच पाती। तो नंबर वन, अगर आयरन कम है तो क्या कम हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। ये एक तरह से ये कह सकते हैं ब्लड की कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, किसकी? खून की कमी हो गई। और जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पूरी बॉडी को नहीं मिलेगी, तो ऐसे थकान सी महसूस होना, प्रॉपर बॉडी वर्क नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। आयरन जो है ये क्या काम करेगा? फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन या ब्लड का ही पार्ट है एक तरह से, ये सर्कुलेट करता है होल बॉडी में ऑक्सीजन को, और जो ऑक्सीजन है अगर वो नहीं मिलती है बॉडी को तो क्या हो सकती है? यहाँ पर बॉडी प्रॉपर वर्क फंक्शनिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। अब इसमें अगर सोर्स देखें, यहाँ पर सोर्स किसमें, आयरन कहाँ से मिलेगा हमें? तो आयरन जो है वो हमें ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल अगर हम देखें, लीफ वाली अगर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो लीफ वाली वेजिटेबल में स्पिनेच, पालक जो है, ठीक है, उसमें मिल जाएगा हमें। और अगर यहां पर देखें हम कुछ जो है सीरियल्स, जैसे बाजरा, सीरियल्स में बाजरा जो है उसमें बहुत ही ज्यादा क्या रहता है? आयरन रहता है। ठीक है, तो बाजरा हो गया। नेक्स्ट अगर देखें पल्सेस हैं और ग्राउंडनट, पल्सेस हो सकती हैं, और इसके एग्जांपल देखें यहाँ पर ग्राउंडनट जो मूंगफली वगैरह जो है हम यूज करते हैं, ये इसके ग्रीन लीव्स वाली वेजिटेबल्स, पालक हो गया, उसके अंदर सीरियल्स में अनाज में मेरी बाजरा जो है वो इसका सोर्स अच्छा है। पल्सेस कुछ दालें हैं, ग्राउंडनट जो है वो इसका आयरन का क्या है, एक अच्छा सोर्स है। तो ये जो मिनरल्स थे हमने यहाँ पर वन बाई वन डिस्कस किए। इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम, तो ये भी हमारी बॉडी को क्या रहती है, इनकी रिक्वायरमेंट रहती है सोडियम और पोटेशियम। तो ये भी ग्रीन वेजिटेबल्स जो है मिले अगर हम यहाँ पर देखें, और जो सोडियम है ये सॉल्ट, तो सोडियम क्लोराइड जो हम NaCl यूज करते हैं सॉल्ट से हमें मिल जाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड ये तो नमक से मिल जाएगा हमें कॉमन सॉल्ट से, और पोटेशियम है तो पोटेशियम के लिए हमने देखा था बनाना वगैरह जो है, केला है, वहाँ से हमें अच्छी जो मात्रा में पोटेशियम मिल जाता है। तो हमें यहाँ पर ये दो ध्यान रखने हैं, सोडियम और पोटेशियम। तो इस तरह से जो मिनरल्स वाला जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।